आपका स्वागत है। आज हम बिना माल्ट के चॉकलेट बना रहे हैं जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो चलिए हमारा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम किसी बर्तन में पानी गर्म करेंगे। पानी थोड़ा गर्म हो गया है तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसी बाउल के ऊपर दूसरा बाउल रखते हैं। अब हम इस बाउल में 2 चम्मच बटर डालते हैं। हमें बटर को अब मेल्ट करना है। हम इसे पहले अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए अब बटर अच्छी तरह पिघल गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी पिसा हुआ चीनी डाल रहे हैं। अब हमें चीनी को भी अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीनी और बटर अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करते हैं। मैंने यहाँ आधी कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, उसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें आधी कटोरी कोकोआ पाउडर डालते हैं। सभी चीज अच्छी तरह से मिल गई है। अब हमें इसमें थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस डाल देते हैं। आपको जो भी एसेंस पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे एक बार फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसमें थोड़ा सा बटर कम लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा बटर और डाल देते हैं। तो यहाँ पे मेल्ट किया हुआ बटर है, उसे हम थोड़ा सा इसमें डाल। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं और अब हमें इसे जमाना है। मिक्सचर हमारा तैयार है और मैंने यहाँ माउंट की जगह जो फ्रिज में ट्रे आता है वो यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम ये मिक्सचर को इसमें भर देते हैं। इसे अच्छे से प्रेस करना है। ये ट्रे मैंने भर लिया है, अब हम इसे बाकी बचा हुआ इसमें भरेंगे। अब हम इसके बीच में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं। इसके बाद हम और इसके ऊपर रखकर इसे प्रेस करेंगे। मैंने इसे भी इसी तरह से भर लिया है। देखिए मैंने सारा मिक्सचर भर लिया है दोनों में। अब हम इसे फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और अब ये सेट हो गया है। मैंने इसे करीब 1 घंटा फ्रिज में रखा था। अब हम इसे अनमाउल्ड करते हैं। तो देखिए हमारा चॉकलेट अच्छे से निकल गया है। हम बाकी चॉकलेट भी इसी तरह से निकालते हैं। देखिए हमारा सारा चॉकलेट बाहर निकल गया है। ये मैंने इसके बीच में बादाम रखा था वो वाला है, तो हम इसे कट करके दिखाते हैं। तो देखिए इसके बीच में फिलिंग्स थी, तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।